दिसंबर माह में लखड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत जाली बिल और बिल्टी सुपारी मांगने का मामला सामने आया था, जिसका अपराध शाखा 2 ने भंडाफोड़ किया है। इस मामले में आरोपी मालिक अनूप महेश चंदन नागरिया को गिरफ्तार किया गया है, ऐसी जानकारी पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित ने दी। जाली बिल और बिल्टी पर सुपारी मांगने के मामले का भंडाफोड़ अपराध शाखा 2 ने किया है। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गोदाम में छापेमारी के दौरान पुलिस के हाथ 19 टन माल हाथ लगा, जिसकी कीमत लगभग 70 से 75 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस के अनुसार सुपारी सड़ी हुई है और इसका इस्तेमाल सुगंधित तंबाकू बनाने में किया जाने वाला था। इस मामले में मालिक अनूप महेश चंद नागरिया को आरोपी बनाया गया। लखड़गंज पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच के लिए FDA को सौंप दिया गया है। पुलिस ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त सूचना मिली कि RG09GB9496 में सड़ी सुपारी बुलाई गई है। चालक से पूछताछ बताया कि सुपारी है। बिल्टी और इनवॉइस की जांच करने पर पता चला कि ट्रैक्टर पार्ट और प्लास्टिक ट्यूब का है। इसके बाद पुलिस ने संचालक को धोखाधड़ी के आरोप में पकड़ा। किसी के पास भी सुपारी का इनवॉइस या बिल्टी नहीं थी। आर्थिक लाभ के लिए सुपारी कारोबारी इस प्रकार का हथकंडा अपना रहे हैं। ट्रक पकड़ल्याचं तर म्हणजे हे नाही आहे, पण ते एक गुन्हा आपल्याकडे जो एक लखड़गंज पोलीस स्टेशन मध्ये दाखल होता की ज्याच्यामध्ये आम्ही डिसेंबर महिन्यामध्ये सुपारी पकडली होती आणि तेव्हा ज्यांना बिल आणि ईवे बिल मागितले बिलट्या मागितले तेव्हा त्यांनी आम्हाला मिसगाईडिंग म्हणजे प्लास्टिक ट्यूब असतील किंवा इतर पार्ट्स असे बिलं सादर केली होती, जी आम्ही व्हेरीफाय केली दिल्लीला जाऊन। तर ज्या फर्मची बिलं होती त्यांनी स्पष्टपणे नकार दिला होता की अशी बिलं आहेत म्हणून, आणि त्या केसमध्ये एक अनूप नगरिया म्हणून जे ज्यांनी ती तो सगळा माल सुपारीचा मागवला होता तर त्यांना काल अटक झालेली आहे आणि त्यांना कोर्टाने 3 दिवसाचा पोलीस कस्टडी पण दिलेली आहे। गब्बर सिंग हा ड्रायव्हर होता आणि त्या ड्रायव्हरला बेल कोर्टाने दिलेली आहे आणि त्याचा पुढचा तपास सुरू आहे। मौरानीपूर ट्रान्सपोर्ट कंपनी और शिवशक्ति ट्रेडिंग के निदेशक नागरिया ने बताया कि दिल्ली से मांग मंगवाया गया था। आरोपी को न्यायालय में हाजिर कर 3 दिन का रिमांड लिया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।